हिमाचल में कोरोना वायरस प्रतिदिन अपनी पकड़ को मजबूत किए जा रहा है, लेकिन कुछ लापरवाह लोग इस वायरस के भयानक परिणामों को दरकिनार कर नियमों को सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं। ताजा मामले में सुंदरनगर की ग्राम पंचायत कांगो में कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान में जुटी स्वास्थ्य विभाग की टीम को क्षेत्र में हुई मारपीट की घटना के कारण घंटों तक रुकना पड़ा। मामले में कांगो पंचायत के उप प्रधान को संक्रमित के कांटेक्ट में आए हुए कुछ युवकों ने पीट कर घायल कर दिया। वहीं घायल का उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में करवाया गया। शिकायतकर्ता के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। आज सुबह कांगो के पास प्रधान जयलाल उसके साथ उप प्रधान और अन्य लोग शामिल थे, जो कि एक वहाँ कोरोना पॉजिटिव केस आया था। उस सिलसिले में वे लोगों को उस तरफ को जाने के लिए रोक रहे थे, तो अवेयर कर रहे थे कि कोरोना केस आया, यहाँ सैनिटाइज किया जाएगा, उसके पश्चात जाएं। जिस पर दो तीन व्यक्ति आए थे, जिसमें एक घनश्याम गोपाल व दिनेश, ये तीनों भाई आ रहे थे और उनके साथ उन्हें बहसबाजी के लिए झगड़ा हो गया, जिस पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इसमें तफ्तीश चली है, जैसे भी कार्रवाई होगी उसके मुताबिक की जाएगी। उज्जवल हिमाचल के लिए सुंदरनगर से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।